अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करो खुश होंगे, हंस होंगे, हैप्पी होंगे, मुस्कुराते होंगे, लवली लवली होंगे। आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसका नाम है बक्सर इंजीनियर्स रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो बड़ा हैरान कुन और अमेजिंग चैनल है आपके लिए। तो आज हम बड़े स्टाइल के साथ, बड़े एक्शन के साथ एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। वीडियो के मतलब बात करेंगे हाफिज़ भाई। वीडियो है भाई मुंबई वर्सेज न्यूयॉर्क, क्योंकि आप इंडिया का मुकाबला अमेरिका से किया है। हाँ, बाकी तो कोई बजाय दूसरा चैनल, दूसरा मुल्क तो है नहीं जो अमेरिका से इंडिया से मुकाबला कर सके। तो आपने वीडियो देखने से पहले लाजमी इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। लाइक 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 लाजमी करना है आपने। चलो अभी लाइक करते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कहते हैं दुनिया में सिर्फ दो शहर ऐसे हैं जो कभी सोते नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और न्यूयॉर्क के बारे में। यहाँ पे आपको खाने से लेकर सोने की हर एक चीज रात के 3 बजे भी मिल जाएगी। तो दोस्तों बिना समय गवाए जानते हैं मुंबई वर्सेस न्यूयॉर्क के बारे में आज के इस क्लिप फ्लिप एपिसोड में। दोस्तों न्यूयॉर्क को ग्लोबल हब कहा जाता है। मुंबई भारत के लिए किसी हब से कम नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए न्यूयॉर्क पर्यटन, रियल एस्टेट, मीडिया, थिएटर, फैशन के पैमाने सेट करता है। तो वही मुंबई भारत के लिए कुछ ऐसा ही काम करती है। तो दोस्तों जानते हैं इनके पॉपुलेशन के बारे में। सन 2011 के मतगणना के अनुसार मुंबई में कुल 12.4 मिलियन लोग रहा करते थे। सन 2019 में मुंबई शहर की आबादी कुल 24 मिलियन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही न्यूयॉर्क शहर आबादी के मामले में यूएस में नंबर एक के पायदान पर है। सन 2012 में न्यूयॉर्क में की गई मतगणना के अनुसार 8.5 मिलियन लोग रहा करते है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी औसतन 20,000 लोग पर किलोमीटर है। तो वही न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन डेंसिटी करीबन 10,000 लोग पर किलोमीटर है। मुंबई की आबादी में से 54.5% पुरुष है, तो 45.5% स्त्रियां मौजूद है। वही न्यूयॉर्क की आबादी में करीबन 47.49% पुरुष है, तो 52.51% स्त्रियां मौजूद है। न्यूयॉर्क की तरह ही मुंबई में भी रोज हजारों लोग अपने सपने को साकार करने आते हैं। मुंबई में हर साल 0.47% से आबादी बढ़ रही है, तो न्यूयॉर्क में 0.9% से आबादी बढ़ रही है। दोस्तों जीडीपी किसी भी क्षेत्र की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। अगर बात जीडीपी की करें तो मुंबई की जीडीपी 368 बिलियन है और न्यूयॉर्क का जीडीपी 1.33 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क दुनिया का बिलियनियर का घर माना जाता है। तो वही मुंबई शहर को एशिया के बिलियनियर का घर माना जाता है। मुंबई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% है, तो वही न्यूयॉर्क में केवल 6.1% है। न्यूयॉर्क में 265 ऐसी बिल्डिंग है जो कि 150 मीटर से ज्यादा ऊंची है। वही मुंबई में बस 115 ऐसी ऊंची बिल्डिंग है। एक अच्छा जीवन बिताने की ख्वाहिश किसे नहीं पसंद। दोस्तों न्यूयॉर्क में IBM, पेप्सिको, JP मॉर्गन चेस, सिटी, वेराइजन और डॉयर जैसी नामांकित कंपनियों के हेडक्वार्टर्स मौजूद है। तो वही मुंबई में TCS, RIL, HDFC, सन फार्मा, कैपजेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और वोक्सवैगन ग्रुप सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे टॉप की कंपनियों के हेडक्वार्टर्स मुंबई को न्यूयॉर्क के बराबर चलाती है। तो दोस्तों जानते हैं अब इनके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। मुंबई और न्यूयॉर्क दोनों शहरों ने अपनी अपनी परिवहन व्यवस्था से पूरी दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया हुआ है। दोस्तों न्यूयॉर्क का मेट्रो जाल यूएस की शान है, तो वही मुंबई की लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है। न्यूयॉर्क की मेट्रो में रोजाना करीबन 5.6 मिलियन लोग सफर किया करते हैं। न्यूयॉर्क के सबवेज कभी बंद नहीं होते हैं, तो वही मुंबई की लोकल ट्रेन्स भी सुबह 4:15 को चालू होती है, तो रात के 2:45 तक मुंबईकर के साथ सफर किया करती है। मुंबई में रोजाना 2400 से 3000 लोकल ट्रेन्स चलती है। अगर यात्रियों की बात करें तो कम से कम 2.4 बिलियन से ज्यादा यात्री रोजाना सफर करते हैं। ये संख्या स्विट्जरलैंड, भूटान जैसे देशों के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। दोस्तों मुंबई में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वही न्यूयॉर्क में कुल 3 है। बाइक शेयरिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद न्यूयॉर्क में किसी नजदीकी जगह पर जाने के लिए लगभग 80 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो वही मुंबई में केवल 16 रुपए में काम हो जाता है। मुंबई में टैक्सी का किराया पर किलोमीटर 22 रुपया है, तो वही न्यूयॉर्क में 112 रुपया है। न्यूयॉर्क में बस का मंथली पास 8,500 रुपए से ज्यादा है, तो वही मुंबई के बस का मंथली पास 350 रुपए तक है।
दोस्तों अगर हम खाने की बात करें तो मुंबई और न्यूयॉर्क दोनों ही शहर के खाने में विविधता नजर नहीं आती। जैसे अगर न्यूयॉर्क का पिज्जा टेस्टी है तो मुंबई का वड़ा पाव भी लाजवाब है। न्यूयॉर्क शहर में प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड के तौर पर हॉट डॉग, ब्रेडजेल, फलाफेल और टाकोस देखे जाते हैं। तो वही मुंबई के स्ट्रीट फूड में तो चाय से लेकर चाइनीज, पानीपुरी से लेकर पास्ता, वड़ा पाव से लेकर समोसा आदि फेमस है। ये सब खाने की चीज में मुंबई के व्यस्त लोगों को रोज के जीवन में वड़ा पाव खूब भाता है। दोस्तों अगर हम खाने के खर्चे की बात करें तो मुंबई के सामान्य रेस्टोरेंट में दो लोगों को खाना खाने के लिए लगभग 1200 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो वही न्यूयॉर्क शहर में 5500 से भी ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। मुंबई में 1 लीटर पानी की बोतल के लिए आपको 10 से 20 रुपया खर्च करने होते हैं। तो वही न्यूयॉर्क में आपको 110 रुपए से लेकर 120 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों माना जाता है कि अगर कोई इंसान न्यूयॉर्क के हर एक होटल में रात का खाना खाए तो अपनी उम्र के 54 साल आसानी से अलग अलग होटल में खाना खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अब इनके लाइफस्टाइल के बारे में। मुंबई में एवरेज सैलरी $750 है, यानी लगभग 50,000 से ज्यादा। तो वही न्यूयॉर्क सिटी में एवरेज सैलरी कुल $4,500 है, यानी 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है। भले ही न्यूयॉर्क दिखने में काफी चमकीला होगा, काफी साफ सुथरा होगा, पर आज शॉपिंग और फैशन के मामले में मुंबई न्यूयॉर्क के कंधे से कंधा मिला रहा है। दोस्तों न्यूयॉर्क के सिटी सेंटर में 1 BHK का रेंट लगभग 2.25 लाख के पास है। तो वही मुंबई के सिटी सेंटर में 1 BHK का रेंट लगभग 40,000 तक है। अगर आप न्यूयॉर्क सबर्ब्स में 1 BHK रेंट पर लेना चाहे तो आपको 1,40,000 रुपया इतना किराया आ सकता है। तो वही मुंबई सबर्ब्स में 1 BHK का रेंट 18,000 से 20,000 रुपये तक होता है। वही इस घर के मेंटेनेंस के लिए आपको लगभग 3,500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। इसमें आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सोसाइटी मेंटेनेंस और आदि के बिल्स इंक्लूडेड है। तो वही न्यूयॉर्क में इस सारी चीज के लिए आपको करीबन 10,000 रुपए लग सकते हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में 800 से ज्यादा भाषा बोली जाती है, जिसमें इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन आदि भाषाएं प्रमुख है। न्यूयॉर्क सिटी में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग हिंदी, गुजराती और उर्दू जैसे भारतीय भाषा बोली जाती है। तो मुंबई में 8 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, जिसमें ज्यादातर हिंदी, मराठी, इंग्लिश भाषाएं हैं। मुंबई में किसी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आपको कम से कम 300 रुपए लगते हैं, तो वही न्यूयॉर्क में 1100 रुपए लगते हैं। मुंबई में एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको 800 रुपया प्रति माह लग सकते हैं, तो वही न्यूयॉर्क में इसी इंटरनेट के लिए आपको लगभग 4,500 रुपया लग जाएंगे। अगर हम मोबाइल फोन के मंथली बिल की बात करें तो जियो आने से मुंबई में आपको मंथली 300 रुपए खर्च करने होने हैं, तो वही न्यूयॉर्क में मोबाइल का खर्च करीबन 2,000 प्रति माह होगा। दोस्तों न्यूयॉर्क में फिल्म फेस्टिवल, बोट फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल जैसे उत्सव होते हैं, तो वही मुंबई में गणेश चतुर्थी, नवरात्रा, दिवाली, ईद, क्रिसमस इस तरीके से डिवोशनल उत्सव मनाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुंबई में कुल 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स और एलिफेंटा केव्स शामिल है। वही अगर न्यूयॉर्क की सोचे तो यहाँ पर केवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। सबसे खूबसूरत आर्ट डेकोरेशन के शहरों की गिनती में मुंबई मियामी शहर के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ RBI जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय इमारतें हैं। इसके बावजूद मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी के नाम से प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा माना जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके लोकेशन के बारे में। वैसे देखा जाए तो दोनों मुंबई और न्यूयॉर्क अपनी भौगोलिक स्थिति से काफी खूबसूरत है। मुंबई 7 अलग अलग द्वीप को जोड़कर बना है, जैसे कि कोलाबा, छोटा कोलाबा, बॉम्बे, माजगांव, वर्ली, माहिम और परेल। मुंबई कुल 603 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वही न्यूयॉर्क शहर का क्षेत्र लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों कहते हैं ना कि मुंबई की बरसात और ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। मुंबई में ट्रैफिक नियमों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, शायद इसीलिए मुंबई में ट्रैफिक की बरसात 12 महीने चलती रहती है। न्यूयॉर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई की तुलना में काफी बेहतर नजर आता है। न्यूयॉर्क में ट्रैफिक के नियमों का पालन भी होता है, पर फिर भी मुंबई के ट्रैफिक के तरह न्यूयॉर्क को भी भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। मुंबई में करप्शन, ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम का परसेंटेज कुल 10 में से केवल 3.1 है, तो वही न्यूयॉर्क में 10 में से 7.1 है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों की।
अगर न्यूयॉर्क जाज और हिप हॉप के लिए जाना जाता है तो मुंबई ढोल ताशा के साथ लेजिम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। न्यूयॉर्क शहर को पहले न्यू एम्स्टरडेम कहा जाता था, तो वही मुंबई को पोर्चुगीज की वजह से बॉम्बे कहा जाता था। रीडर्स डाइजेस्ट के एक सर्वे के अनुसार दुनिया में किए गए ऑनेस्ट सिटी के सर्वे में मुंबई दूसरे पायदान पर आता है, तो वही न्यूयॉर्क चौथे पायदान पर। इस सर्वे में 12 वॉलेट गिरा दिए थे, जिसमें से मुंबई कर ने 9 वापिस किए, तो वही न्यूयॉर्क ने 8 वापिस किए। रेडिफ साइट के सर्वे के अनुसार दुनिया में काम करने और रहने के लिए किए गए सर्वे में न्यूयॉर्क सिटी 7वें पायदान पर आता है, तो वही मुंबई 13वें स्थान पर। तो दोस्तों, आज हमने जाना न्यूयॉर्क और मुंबई शहर के बारे में। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कोई सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अरे यार की गई है, दो में शहर बड़े अच्छे ने, बड़े खूबसूरत ने, मुंबई ज्यादा पिछे नहीं है, तकरीबन नेड़े नेड़े गया। हां तकरीबन नेड़े नेड़े गया, ते बहुत मैं कहता फर्क है ही नहीं है। जे एक जगह ते न्यूयॉर्क अगे होंदा सी ना, ते तीन जगह ते ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਦਾ ਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 800 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ 2-4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, 300 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾ, 19-20 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਨਾ 2022 ਦੀ ਜਾਂ 23 ਦੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿ ਇਹ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੁੰਬਈ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਮੁਲਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੁਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ, ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਯੂਰਪੀ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ 40-50 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਹਕੂਮਤ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਭਾਈ, 40-50 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਈ ਯੂਰਪ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਕਿ ਕੈਸਾ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 800 ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 150 ਦੀ ਆ, 700 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਫਰਕ ਤੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਆ ਇਹ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਆ ਮੁੰਬਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
फिर उत्थे 150 की बोतल पानी दी, 20 रुपए की पानी बोतल, उत्थे 4500 रुपया किराया, 300 रुपया किराया बनता महीने का बस का, बस का। मैं गल करता फिर रिलीफ किन्ने दिता मुंबई ने अपनी आवाम नू, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਂਬੇ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਮੁੰਬਈ 300 ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉੱਥੇ 1100 ਦੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁੰਬਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਓਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਅੱਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੰਬਈ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੁੰਬਈ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲਾਈਕ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਈਕ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਓਕੇ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।